26 नवंबर 2008 का वो दिन जब आतंकवादियों ने मुंबई के होटल ताज में अटैक कर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसे आज पूरे 7 साल हो गए। वहीं आतंकवाद को जड़ से मिटाने और हमले में मौत होने वालों के प्रति छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने श्रद्धांजलि दी। आतंकियों ने पिछले 13 नवंबर 2008 को मुंबई के होटल ताज पर हमला किया था, जिस हमले को आज पूरे 7 साल हो गए। 26 नवंबर का वो दिन जो मुंबई समेत पूरे देश भर को हिला कर रख दिया था, जिसमें कई मुसाफिर, टूरिस्ट और स्थानीय लोगों सहित पुलिस के जवानों की मौत हो गई थी, जिसे याद करते हुए छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने हमले में मौत होने वालों को श्रद्धांजलि दी। एक ऐसा दिन है जो हम भारतीयों को हमेशा याद रहेगा। उस दिन पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमारे निहत्थे मुंबई के निवासियों को, जो होटल में ठहरे थे ऐसे लोगों को, जो पासी धर्मशाला में ठहरे थे ऐसे लोगों को, जो वहाँ के रेलवे स्टेशन पर यात्रा के लिए ठहरे थे ऐसे लोगों को, ऐसे निहत्थे और निर्दोष लोगों को बर्बरता से, निर्दयता से उनकी हत्या की थी। उसकी पूरी दुनिया में निंदा हो रही है और आतंकवाद से अब सबको मिलकर लड़ना चाहिए। 26/11 का यही संकल्प होना चाहिए कि आतंकवाद चाहे किस रूप में, उस आतंकवाद का सामना सबको मिलकर करना चाहिए। मुंबई पुलिस की टीम ने आतंक का खौफ पैदा करने वाले आतंकवाद कसाब को पकड़ा था, जिसे फांसी की सजा दी गई थी। 26/11 की उस दिन को याद करते हुए विधायक अमित जोगी ने आतंकवाद को जड़ से साफ करने पर अपनी विचार व्यक्त किए और टिप्पणी की। आतंकवाद हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज पूरी दुनिया इस समस्या से जूझ रही है। आवश्यकता ये है कि आतंकवाद के सामने हम लोग सब एक होकर इस समस्या से निपटे, इस चुनौती पर विजय प्राप्त करें। 26/11 के उस दिन को याद करते हुए शहर के जाने माने लोग और अन्य देशभक्तों ने भी लोगों को श्रद्धांजलि दी। कैमरा पर्सन प्रकाश राके के साथ मनोज पाल, सिटी न्यूज़, बिलासपुर।